हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? यूकेजी का जो मैथ होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो एक बेस देता है जब बच्चा क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर में मैथ के फर्दर टॉपिक्स सीखते हैं। सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होती है, बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होती है, वो यूकेजी में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया है ये सारी टॉपिक्स। अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, घर पर प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं, तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ एक वर्कबुक, प्रिंटेड वर्कबुक, जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स अवेलेबल है। बहुत अच्छी तरह से आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो जॉब होल्डर्स हैं, जिनके पास थोड़ा टाइम कम है लिखने के लिए, वर्कशीट प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम कम है, या फिर घर के काम की वजह से आप बिज़ी रह रहे हैं, तो आपके लिए ये बुक वंडरफुल रहेगी। ये मैंने अपने भाई की बेटी के लिए लिया है। फॉर सम रीज़न उसका एडमिशन नहीं हुआ था, सो इससे पहले कि मैं उसको ये बुक दे दूँ, आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट बात जिसकी वजह से मैंने इस बुक को चूज़ किया है, सी जब आप बच्चे को यूकेजी में मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको 1 to 100 नंबर्स सिखाने के बाद ही ये टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं है आप जब 1 to 20 या 1 to 30 नंबर्स सिखा दें, उसके बाद आप बिफ़ोर आफ्टर बिटवीन नंबर्स उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं 1 to 20 नंबर्स के बीच या 1 to 30 नंबर्स के बीच। उसके बाद जब बच्चा अगेन 31 to 50 सीखे, देन उन नंबर्स के बीच आप बिफ़ोर आफ्टर बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये मेन क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इस बुक को चूज़ किया है, क्योंकि इसी तरह से ये बुक भी डिज़ाइन की गई है। अगर आपको याद है तो एक साल या पहले मैंने अपने बेटे की एक प्रिंटेड नोटबुक शेयर की थी मैथ में, उसमें भी इसी तरह से प्रैक्टिस वर्कशीट्स अवेलेबल थी, और इस वाली बुक में भी इसी तरह से इन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है वन आफ्टर दी अदर। पहले बच्चे को 1 to 20 या 1 to 30 इस तरह से नंबर्स प्रैक्टिस आपको करवानी है, देन उसके बाद सी 25 to 39 के बीच व्हाट कम्स आफ्टर, या फिर व्हाट कम्स बिटवीन 1 to 29, इस तरह से डिज़ाइन की गई है। तो आपको ये वेट नहीं करना कि आपको 1 to 100 सिखाना है और उसके बाद ही आप दूसरे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं होता। इस तरह से आप सिखा सकते हैं इस बुक को। आपको बस स्टार्ट करनी है पेज वन से, और डेली 1 या 2 पेज उनको प्रैक्टिस करवाइए, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए, और बच्चे को ये वर्कशीट्स कंप्लीट करने के लिए कहिए। सी 1 to 19 के बीच अगेन व्हाट कम्स बिफोर, फिर फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 40, 1 to 49 उन्होंने सीख लिया है, तो दोबारा उनको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे इस तरह से उनको लिखना है 1 to 49 नंबर्स। अगेन जब उन्होंने 50 to 69 सीखा है, तो यहाँ पे उनको लिखना है व्हाट कम्स आफ्टर। अगेन रिवीजन है फ्रॉम द बिगिनिंग, 1 to 69 तक की प्रैक्टिस व्हाट कम्स आफ्टर की। तो इस तरह से बहुत ब्यूटीफुली ये बुक डिज़ाइन की गई है, मुझे तो बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा इसमें नंबर नेम्स, ग्रेटर देन, लेस देन टॉपिक्स, नंबर नेम्स, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर कॉन्सेप्ट, ग्रेटर देन एंड लेस देन, नंबर नेम्स के बाद इन दी एंड में रिवीजन के लिए कुछ वर्कशीट्स, 1 to 100 जब वो सीख ले तो 1 to 100 लिखने के लिए सी लाइक अ मिसिंग नंबर पेज, मिसिंग नंबर शीट, यहाँ पे 1 to 100 उनको लिखनी है। देन इन दी एंड में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की भी वर्कशीट है। तो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करनी है और बच्चे को एक पेज कंप्लीट करने के लिए देना है एज अ होमवर्क और एज अ प्रैक्टिस पर। सो प्री मैथ कॉन्सेप्ट को छोड़ के इसमें सारी टॉपिक्स इंक्लूडेड है। बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है, सिंपल वर्कशीट्स है इसमें। मिसिंग नंबर्स की तरह बच्चे को नंबर्स लिखना होता है जब भी आप उनको उनका टेस्ट लेना चाहें, और इसके अलावा इसमें शेप्स भी आप सिखा सकते हैं, शेप्स रिलेटेड वर्कशीट भी है। सो बस आपको क्या करना है, डेली एक पेज एज अ होमवर्क बच्चे को देना है और कंप्लीट करने के लिए कहना है। सी टेक्स्ट बुक्स में तो हम सब इन्वेस्ट करते हैं, बट नोटबुक्स हम लेते हैं जो कि एम्प्टी होती है, एंड एम्प्टी बुक्स में आपको खुद लिखना पड़ता है, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो इस तरह की प्रिंटेड बुक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ ड्रीमलैंड पब्लिकेशन बुक, 180 इसकी MRP है, बट मुझे 106 रुपीज़ में ये मिल गई थी, एंड दिस इज़ वर्थ बाइंग। 100 rupees इज़ नॉट मोर फॉर दिस काइंड ऑफ बुक। सी 106 पेजेस, आई थिंक 106 या 104 पेपर्स इसमें हैं, मतलब 104 वर्कशीट इसमें अवेलेबल है, और बहुत अच्छी बुक ये मुझे भी लगी।
अगर आपको भी पसंद आए तो आप ज़रूर परचेज करिए। इसके अलावा यानी मैथ वर्कबुक के अलावा इंग्लिश की भी प्रिंटेड बुक आती है ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं रिव्यू, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी अबाउट दैट बुक ऑल्सो। सो ये था आज का वीडियो अबाउट प्रिंटेड मैथ किंडरगार्टन प्रैक्टिस बुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियोज़।